साथियों, मैं ऋतिक कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फसल क्रांति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कहा जाता है जब इंसान विदेश जाता है तो वहाँ की चकाचौंध, रोशनी, ऐशो आराम और लाखों की नौकरी छोड़ वापस लौटना नहीं चाहता। लेकिन जिस शख्सियत, जिस इंसान से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनका नाम है असीम सिंह रावत। जी हाँ, यह वह नाम है जिसने US में मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़े पद पर नौकरी छोड़ भारत वापस आने का फैसला किया। जी हाँ, असीम सिंह का सोचना यह था कि जो देश की मिट्टी में सुकून और आनंद है वह विदेश में नहीं। और इसी सोच के साथ असीम सिंह रावत जी भारत वापस लौटे और उन्होंने गाय की सेवा करने में अपना समय बिताना शुरू कर दिया। आज से 5 वर्ष पहले 2 गाय के साथ उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज के समय पर उनके पास 700 गाय का जमावड़ा है। जी हाँ, जहाँ मार्केट में मल्टीनेशनल कंपनी 50 से 60 रुपए लीटर दूध अपना उतार रही है, वहीं भी हेता ऑर्गेनिक LLP के नाम से दूध 150 रुपए लीटर मार्केट में बिक रहा है। और दोस्तों, यही नहीं, इस दूध को काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। और दोस्तों, चौकी मत, जहाँ पर 1 लीटर घी का भाव 1300 से 1400 रुपये लीटर बिक रहा है, वहीं पर हेता ऑर्गेनिक LLP 4000 रुपये लीटर अपना घी मार्केट में उतार रही है। जी हाँ, असीम सिंह रावत यह वह नाम है जिसे 2018 में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो लेकर चलता हूँ आपको असीम सिंह रावत जी के पास, जहाँ पर हमारी फसल क्रांति टीम ने उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे और उन्होंने उसका आंसर दिए और युवा वर्ग के लिए एक मैसेज भी छोड़ा। तो दोस्तों, चलते हैं असीम सिंह रावत जी के पास। आज हम ऐसे किसान से आपसे मिलवाएंगे जिन्होंने USA में नौकरी छोड़ यहाँ पशुपालन का कार्य किया। आप हैरत में पड़ गए होंगे कि USA की नौकरी लोगों का ख्वाब होता है, सपना होता है, लेकिन असीम सिंह रावत जी ने इस ख्वाब को, इस सपने को या इस परंपरा को तोड़ते हुए ये दिखा दिया कि अगर भारत में ही हम पशुपालन करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इन्होंने हेता ऑर्गेनिक LLP के नाम से अपना एक ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किया है। तो हम जानेंगे सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अमूल्य समय मुझे दिया अपने समय में से। जी, आपका स्वागत है हेता में। जी, सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि USA जैसी नौकरी और फिर पशुपालन, दोनों में बहुत फर्क आज के समय में लोग समझते हैं, लोगों का ख्वाब होता है, तो ये जॉब छोड़कर ये हेता फाउंडेशन शुरू करने का ख्याल कैसे आया? हाँ, तो जब पहले आप जॉब में थे तो आप अकेले काम कर रहे थे, अपने लिए काम कर रहे थे। जब आप कुछ संस्था चलाते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, आप जॉब क्रिएट करते हैं। तो हमारे साथ लगभग अभी 70-80 लोग काम कर रहे हैं, तो उसका जो जॉय है, उसका जो आनंद है, वो अलग है। ठीक है, तो ये एक कारण है। कुछ कारण ऑब्वियसली डीप हैं कि जब मैं काम करता था, मैंने लगभग 15 साल का मेरे पास सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, और सिर्फ US नहीं, मैं यूरोप में भी रहा, बेंगलोर में भी रहा, पुणे में भी रहा, कलकत्ता में भी रहा। तो बहुत सारी लोगों से मिलने का, बहुत कंपनीज़ में काम करने का मौका मिला मुझे जो है, और उनसे बहुत सीखने को मिला। ठीक है, लेकिन जब आप 15-1 साल मैंने काम कर लिया तो मुझे लगा कि क्या यही वो चीज़ है जो मैं हमेशा करना चाहूँगा। ठीक है, तो ऐसा लगा कि नहीं, मतलब ज़िंदगी का मीनिंग कुछ और भी डीप है। मतलब तो वो क्या ऐसी चीज़ थी? अब उसी समय लगभग ऐसा भी हुआ कि गायों के ऊपर एक प्रोग्राम आ रहा था जिसमें देसी गायों की बढ़ती संख्या और वो किस तरीके से किसानों को परेशान कर रही हैं, शब्द था परेशान कर रही हैं, तो वो दिखाया जा रहा था। तो मुझे देखकर बड़ा अटपटा सा लगा कि जिस देश में, भारत में, एक समय ये था कि अगर आपके पास गायें होती थी तो आपको धनी समझा जाता था, और अब ये समय हो गया है कि गायें हैं तो मतलब वो परेशान हो रहा है। तो लगा कि क्या इसमें ऐसा कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा मॉडल बनाया जा सकता है कि अगर आप देसी गाय पालें तो क्या आप अपना जीविकोपार्जन आप कर सकते हैं, क्या आप सर उठा के जी सकते हैं? तो बस ये सोचकर एक मॉडल बनाया, क्योंकि कोई उस समय ऐसी संस्था नहीं चल रही थी जिसको देखकर कह सकते थे कि हाँ, अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो वो जंप लेनी पड़ती है, वो साहस दिखाना पड़ता है, तो वो हमें भी दिखाना पड़ा। वो जो है संस्था बनाई, फिर एक आदमी, दो आदमी ऐसे जुड़ते चले गए, क्रम बनता गया, और अब ये 70-80 लोगों की संस्था हो गई है। 2 गायों से लेकर हम लोग 700 गायों तक पहुँच गए हैं अभी। तो बस यही है और चल रहा है धीरे धीरे। तो गायों की बात अगर सर की जाए तो किस प्रजाति की, किस नस्ल की गाय आप पालते हैं ज़्यादातर? हमारे पास गिर, साहिवाल और थारपारकर। अच्छा। 3 भारतीय प्रजातियां गाज़ियाबाद में है, और एक बद्री गाय हम हेता उत्तराखंड में जो है अभी हमने शुरू किया है, उसको भी पाल रहे हैं। तो लगभग 4 समझ लीजिए। अच्छा।
तो दूध और दूध से बने किन किन उत्पादों का आप व्यापार करते हैं? देखिए, दूध तो हो ही गया और उसके साथ दूध के प्रोडक्ट्स हुए आपका, मक्खन हो गया, घी हो गया, छाछ हो गई, ठीक है, कुछ मिठाइयाँ हो गई अगर वैसा सीज़न है फेस्टिवल्स का। और फिर हम पंचगव्य प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं बहुत सारे, जैसे गौ अर्क हुआ, गौ अर्क में भी बहुत सारी वैरायटी हैं, फिर गौ फिनाइल है, गौ पेस्टिसाइड है, च्यवनप्राश है, चूर्ण है जो गौ शोधित हैं गौमूत्र के द्वारा, और दंत मंजन है उसमें भी, मतलब हर कुछ ना कुछ चीज़ में पंचगव्य ज़रूर होगा या वो गौ में होगा या मतलब गाय से कुछ ना कुछ उसमें आया होगा देसी गाय में, ठीक है। तो कुल मिला के लगभग 50-60 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो हम देसी गायों से बना रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा, मैं चलते हूँ, थोड़ा सा विजिट करना चाहेंगे आप कहाँ गाय पालते हैं, कैसे कैसे। जी चलिए। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पंचगव्य से भी कुछ चीज़ें तैयार करते हैं, दूध के अलावा दवा हो गई और भी बाकी चीज़ें हो गई, तो इसको देख के थोड़ी सी रोचकता पैदा हुई मेरे मन में और मैं जानना चाहूँगा सर ये है क्या, इसके बारे में बताएं। तो ये एक संयंत्र है जिसमें हम गौमूत्र डालते हैं और गौमूत्र को उबाल के इसकी अमोनिया उड़ा देते हैं और अमोनिया उड़ने के बाद उसका जो वेपर है उसे कंडेंस कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर वो पानी आ रहा है नीचे, वो गौ अर्क है, तो इससे हम गौमूत्र से गौ अर्क बना रहे हैं। इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है इससे, और इसको बहुत सारी दवाइयों में, इसमें आँख की दवाई है और कफ है, कोल्ड है, कैंसर तक की बहुत सारी औषधियाँ इस गौ अर्क से जो अभी निकल रहा है उससे बनती है। अच्छा, यहाँ सर मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा, बहुत बड़ी अच्छी तादाद है गायों की। सबसे पहले सर मैं जानना चाहता हूँ कि जर्सी गायों में और देसी गायों की प्रजातियों में क्या अंतर है? हाँ, तो बेसिकली काफ़ी फ़र्क है। तो पहले उनके टेम्परमेंट से शुरू करते हैं, जो HF या जर्सी गाय होती हैं मेरे हिसाब से वो थोड़ी डल होती हैं कंपेरेटिवली, और जो देसी गाय होती है वो बहुत चंचल होती है। अच्छा। मतलब इंक्विजिटिव होती है, सुस्त नहीं होगी, ठीक है। फिर दूध पर आ जाते हैं, दूध को लेके जब हम उसकी क्वालिटी ऑफ मिल्क, देसी गाय में A2 जीन होता है, A2 प्रोटीन होता है, और जो होल्स्टीन फ्रीजन जर्सी गाय होती हैं उनके दूध में A2 तो है लेकिन A1 प्रोटीन भी रहता है काफ़ी। अच्छा। तो वो चीज़ ख़तरनाक होती है जिससे आपकी Type 1 डायबिटीज़ और ऑटिज़म, जिसे मंदबुद्धि कहते हैं, ये चीज़ें काफ़ी हो रही हैं आजकल बच्चों में, और उसका मुख्य कारण है HF जर्सी गाय का जो दूध पैकेट में आ रहा है या जो लोग पी रहे हैं, ठीक है। सर, अमूमन माना जाता है कि जर्सी गाय में दूध ज़्यादा होता है, जबकि आप व्यापार कर रहे हैं साहीवाल और गिर की गाय को लेकर, मिथक को आपने किस तरह तोड़ा? हाँ, तो बेसिकली हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम क्वालिटी देखें तो देसी गाय का दूध, क्योंकि उसमें A2 जीन है और भी इसे सोने की मात्रा पाई गई और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनकी जो आप सिर्फ देसी गाय में के दूध में मिलती हैं, टेस्ट वाइज भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। HF जर्सी जो गाय होती है उसमें A1 टाइप जीन है उसके दूध में, जो हानिकारक है, जैसे मैंने आपसे कहा क्वांटिटी ऑफ मिल्क ज़्यादा है, मतलब 20-25-30 लीटर की आपको एक जर्सी और HF गाय आराम से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे तो वो कहीं स्टैंड नहीं करती है, तो हमें चूज करना था क्वांटिटी चाहिए या क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी पे जोड़ दिया। हाँ सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें भारत देश में है, जबकि हम देख रहे हैं कि बैलों का प्रयोग खेती में नहीं है, तो ऐसे में या तो बैलों को खुला छोड़ दिया जाता है या मांस व्यवसाय में उन्हें बेच दिया जाता है। बिल्कुल सही। जबकि मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ कि बैलों की भी उतनी ही सेवा की जा रही है जितनी गायों की, ये सर जो परंपरा, जो विडंबना है, इसको कैसे आपने दूर किया या किस तरह आप नर बैलों को पाल रहे हैं, थोड़ा सा दर्शकों को हमारे बताएं किस तरह वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं नर बैलों का। हाँ देखिए, बहुत गहरा अच्छा सवाल है और इसका कोई एक आंसर नहीं है। हमने क्या किया है वो हम बता सकते हैं। तो हेता भी जब हमने बनाई तो हमने ये विचार किया कि हम इसको एथिकली चलाएंगे। एथिक्स का मतलब ये है कि आप दोहन करेंगे, दो थनों से दूध लेंगे गाय का, दो थन आप उसके बच्चों को छोड़ेंगे, चाहे वो नर गौवंश है चाहे वो गाय है, ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे जब हमने इनके साथ काम करना शुरू किया तो हमने देखा कि नर गौवंश की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी एक गाय की होती है। बशर्ते कि आप उसको समझें। कैसे समझें? अगर आप अच्छी ब्रीड पालते हैं, अच्छी ब्रीड मतलब आपके पास प्योर गिर है, प्योर साहिवाल है, प्योर थारपारकर है, या कोई बद्री गाय है, या कोई और भी गाय आपके पास है, आप अगर अच्छी गाय पालते हैं, अच्छा सीमन इस्तेमाल करते हैं, नंदी इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपकी जो प्रजनी होती है, मतलब ये जो आपके आगे का वंश तैयार होता है, वो और भी बेहतर होता है। अगर आप अच्छा वंश आपके पास तैयार होता है तो चाहे वो नर है चाहे वो मादा है, उसकी रीसेल वैल्यू होती है, लोग उसको खरीदने आते हैं। बुल्स
ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, नंदी ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका जो गौमूत्र है और गोबर है उससे आप बहुत चीज़ें बना सकते हैं। हम पंचगव्य की चीज़ें बना रहे हैं तो जो नंदी का गौमूत्र है वो काफ़ी तेज़ होता है और उसकी काफ़ी दवाइयाँ बनती हैं, तो उनका एक वो एक अलग ही साइंस है, अलग ही फील्ड है, बहुत सारी कंपनी उस पर अब काम कर रही हैं, हम भी काम कर रहे हैं और हम वो दवाइयाँ बनाते हैं, बेचते भी हैं, तो वो लोग कर सकते हैं, उनको वो पसंद है। उम्मीद है कि किसानों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा और आपसे प्रेरित हो रहे होंगे। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो पशुपालक नए बनना चाहते हैं या जो आपकी तरह बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह व्यवसाय शुरू करें या किस तरह हैथा के पद प्रदर्शन कर सकें? देखिए, मैं 3-4 चीज़ें कहूँगा कि ध्यान रखें। एक तो ये है कि ट्रेनिंग लें जी। ट्रेनिंग कैसी, जैसे NDRI करनाल है, एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, अभी करते थे, अब मैं जितनी मेरी जानकारी शायद अभी भी करते हैं, तो वो ली जा सकती है। और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनिमल हस्बेंड्री के कोर्सेज़ होते हैं, वो करिए, ठीक है। ऑनलाइन यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे चैनल्स अवेलेबल हैं। कम गायों से शुरू करिए, 1-2 गाय पालिए, देखिए जो आप सोचते थे वही हो रहा है आपके साथ, नहीं हो रहा है, इससे आपको भी कम कष्ट होगा और गायों को भी कम कष्ट होगा। जब गाय पालें, कोशिश करिए कि अच्छी नस्ल की गाय लेकर आएँ, चाहे वो गिर हो, चाहे साहिवाल हो, चाहे थारपारकर हो, रेड सिंधी हो, कोई और भी ब्रीड आप पालते हो तो, ठीक है। अच्छा, नंदी गायों से बेहतर होना चाहिए। नंदी नहीं ले सकते, नंदी बहुत महंगे आते हैं, लाखों लाखों के नंदी हो जाते हैं, तो आप अच्छा सीमन इस्तेमाल करिए, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, NDRI, ये जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं कुछ अच्छी है, जिसमें ए ग्रेड का सीमन मिलता है वही लें, मतलब क्योंकि नकली सीमन नहीं मिलता, जिससे आपकी पूरी 9-10 महीने साल भर की मेहनत बेकार हो जाती है, वो ध्यान रखिए। अच्छा, तीसरी चीज़, गोबर गौमूत्र से क्या करेंगे वो ध्यान रखिए, उसको मत छोड़िए, कि मतलब ये नहीं कि सिर्फ दूध की जो है जो चीज़ें हैं वही देनी है, ठीक है ना। वो तो एक फैक्टर है ही है, लेकिन अगर आप अपनी सिर्फ चीज़ दूध पे कंसंट्रेट करते हैं तो आप अंडर प्रेशर रहते हैं। तो मिल्क प्रोडक्ट्स, गौमूत्र से क्या क्या बना सकते हैं, गोबर से क्या क्या बना सकते हैं, और ब्रीडिंग, इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो एक किसान के लिए ये एक फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें फ्री हो जाती हैं जी। ठीक, तो यही मेरी मैसेज है आप सबके लिए। आप फसल क्रांति के क्रू को मेरा धन्यवाद कि आपने समय निकाला, आप हिता में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।